हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम के हेल्थ टिप्स में भी सब लोगों का फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एजिथ्रल 500 एमजी टैबलेट के बारे में। तो ये टैबलेट लेने से कौन से फ़ायदे होने वाले, इसका पूरा डिटेल्स और जानकारी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन में दबा देना क्योंकि इधर ब्रांडेड मेडिसिन के बारे में जानकारी मिलता है। तो बी गुड वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं एजिथ्रल 500 एमजी टैबलेट, उसका प्रिपरेशन की बात करें तो एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट है, वो भी 500 एमजी का, और ये बहुत ही पुराना जाने माने ये कंपनी है, एलेम्बिक कंपनी का, ठीक है। तो ये स्ट्रिप में 5 टैबलेट आता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 5 टैबलेट आता है, ठीक है। तो ये कौन सी सिचुएशन में, कौन सी बीमारी में ये झेलता है, कौन सी बीमारी में लेना चाहिए, ठीक है। जैसे कि फीवर हो गया, यानी कि बुखार हो गया, या सर्दी है, खांसी है, या गले में कफ है, या नाखून में इन्फेक्शन हो गया, ये एंटीबायोटिक है, ठीक है। हर रोगों का नियंत्रण करता है, ठीक है। कानों में इन्फेक्शन हो गया, आँखों में इन्फेक्शन हो गया, आँखों में सूजन आ गया, या नाक से सर्दी टपक रहा हो, या 3-4 दिन हो गया बुखार ख़त्म नहीं हो रहा है, पैरासीटामल साथ में ले रहे हैं लेकिन फिर भी बुखार हो रहा है, बुखार उठ रहा है, पैरासीटामल लेने से कम हो जाता है लेकिन फिर से बुखार आ जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप एजिथ्रल 500 एमजी टैबलेट ले सकते हैं। स्ट्रिप में 5 टैबलेट है, ठीक है। तो ए टैबलेट का लेने का डोजेज है, रोजाना 1 टैबलेट यानी कि 5 डेज कंटिन्यू करना है, बुखार रहे या ना रहे फिर भी ये कंटिन्यू करना है, ठीक है। और पैरासीटामोल कौन सा लेना है बुखार के लिए, इसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और एक बात, ये एडल्ट के लिए है और बच्चे के लिए जैसे कि 11 साल 12 साल 13 साल 14 साल, तो उनके लिए एजिथ्रल 250 एमजी का टैबलेट मार्केट में अवेलेबल है, हर मेडिकल शॉप या डिस्पेंसरी में, ठीक है, अवेलेबल है, मिल जाएगा, आसानी से आप ले सकते हैं। तो ये आप डॉक्टर के साथ परामर्श करके लेने से अच्छा होता है, ठीक है। तो इसका जो बारे में पूरा डिटेल्स और जानकारी बता दिया। और एक बात, एक कोविड सिचुएशन में भी ये ले सकते हैं, बुखार रहे तो, ठीक है। आप कोविड सिचुएशन यानी कि कोविड से आप आक्रांत है और आपको जैसे लग रहा है कि पॉजिटिव है, तो ऐसी सिचुएशन में आप एजिथ्रल 500 एमजी का टैबलेट ले सकते हैं। उसके साथ में साथ कौन सा टैबलेट लेना है, ठीक है, इसका वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। होम क्वारंटाइन रह के, घर में रह के पॉजिटिव होके कौन सा टैबलेट आप ले सकते हैं, ठीक है, इसका पूरा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा वीडियो, आप जाके एक एक करके देख सकते हैं आपका कौन सा बीमारी है, जैसे खांसी हो गया, विटामिन सी हो गया, जिंक टैबलेट कौन सा लेना है, आइवरमेक्टिन कौन सा टैबलेट लेना है, ठीक है, इसका पूरा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो देख के आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा, हेल्पफुल हुआ होगा। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ शेयर करना, क्योंकि उनको भी ऐसा प्रॉब्लम से झेल रहा हो तो उनको भी फ़ायदा हो सके। तो तब तक अच्छे लिए स्वस्थ रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।